आने में तो डर रहा है बत... So, नमस्कार दोस्तों, दिस इज हिमांशु बांगती और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, हियर इज द कपल अगेन अगेन अगेन। और हम लोग सीधे रानी बाग पहुंचे हैं। कपिल, आफत आ गए। हाँ, आफत आ गए। अच्छा, अभी कितना हाफ रहा था तू? हाफ तो नहीं रहा था, थक गया था। हाफ ना ऐसे थोड़ी कर रहा था, ऐसे थोड़ी कर रहा था। भाई सच्ची बताओ ना, दिन थे बहुत हाफ रहा था ये। चल भाई, झूठ बोलता रहता है हर बार। हसीना के मुंह में पसीना। ये भगवान क्या जुलूम है। फटाफट खाते हैं कुकुल्ला। गाइस, तो भाई फटाफट मैंने खाना ब्रेकफास्ट करके अपना सीधे मैं आ गया स्टूडियो, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट था। अक्षय भट्ट है और संदीप भट्ट, मेघा चौबे, इन सबको आप जानते ही होंगे, जो मतलब शॉर्ट्स काफ़ी बनाते हैं। इनके मिलियंस में व्यू, मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके कोई क्लाइंट मतलब इस लेवल तक पहुंच चुके होते हैं और आप उनका टैटू कर रहे हो। तो चलो फिर यार, फटाफट उसका डिज़ाइन वगैरह करते हैं। अभी वो आने वाला होगा, शरद भट्ट। Next day. Morning guys, this is Himanshu Pankti. So guys, कपिल तो भाई कालूराम से भी आगे पहुंच चुका है और मैं भी बस साइकिलिंग करते हुए पहुंच ही रहा हूँ। एंड आई थिंक मेरे आगे दो महान राइडर्स आगे चल रहे हैं। दो राइडर्स हैं, वन इज सौरभ गैग्स एंड सेकंड अपना वन एंड ओनली कपिल पाजी। तो गाइस देखो, दो राइडर्स मिल गए यहाँ पे। ये देखिए स्पीड, अबे फंस क्यों रहे? कपिल साथ दिखाने में लगा हुआ है। थक गए? हाँ। थक गए तुम भी? थक गए बहुत ज्यादा थक गए। आओ तुम्हें चिल बियर भी आता है। ये स्केट मार दिया। सो असली अब रॉक राइडर्स आ गए यहाँ पे। यहाँ गरखा गैक्स की सेम साइकिल हम दोनों की। जरा बेल तो उठा लो, चलो। कुछ भी बोले यार, राइडर्स तो लग रहा है यार, गैग्स यार, राइडर्स लग रहा है। अरे भाई तू क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है? तो गाइस अब हम लोग पहुंचे रानी बाग, जहाँ शीतला देवी मंदिर है। वो रहा ऊपर मंदिर। अरे कपिल मटक कली। तू तो मटकने लग गया भाई। बात तो सही है। अरे इतना क्यों मटक रहा है तू, मटक कली। सो गाइस मैं तो पहुंच गया यहाँ पर, बट वो देखो कपिल वॉक करते हुए आ रहा है। ये बेचारा तो हाँ गया कपिल, रह गए पीछे। वो आ रहा है। टाइम क्या भाई? अरे भाई इनकी तो आफत ही आ गई है। कह रहा है तू? 50 रुपये का तेरे बाल काटे हुए देख रहा हूँ मैं। तो भाई 50 रुपये तो काटे मैंने, सही रहता है, मैं हमेशा 50 रुपये में ही बाल काटता हूँ। तू कितने में काटता है? अरे वो कहाँ गैग्स, कहाँ गैग्स, फिटनेस फ्रीक। ये बाल काट के आया कि क्या, पैसे दे के आया? बता ना, बोल ना व्लॉग में बोल। तो भाई मैंने भाई 50 रुपये में बाल भी काटा है और मसाज भी कराया मैंने। उसकी देखो कैसी आफत आ रही है भाई। पानी में मन नहीं करता, बता मेरा गैग्स। अरे ब्रो क्या हो गया, आर यू ओके? देखो एक बार। अरे वाह यार, ये असली रॉक राइडर।
सारा माल डिकैथलॉन का सही का स्पॉन्सर्ड देखिए मजा तो आ रहा है भाई। लॉल हो गया इनके साथ, आई मीन हमारे साथ। दीपुदा बंद है। तो गाइज पूरे हल्द्वानी में जो सबसे ज़्यादा जिसने इज्जत कमाई है ना, दैट इज़ दीपुदा। अब पूछोगे क्यों, वो कैसे, और पैसा भी और इज्जत दी। पूछो क्यों कैसे काहे? क्योंकि उनके पीछे दा लगता है। ये मार मार का खोपड़ी तोड़ साले कम। और हर कोई दीपुदा बोलता है। ओ दा दीपुदा। ओए बेचारे दीपुदा की आंख खुली नहीं, उनकी आंख खुलने से पहले ही ये लोग अंदर घुस गए। क्या पैदल कर रहा है? अरे लेग्स मार रहे ना जिम में। अरे यार खतरनाक ही। तुम्हारा क्या दर्द कर रहा है? हाँ मेरा सिर दर्द कर रहा है तुम्हारा ब्लॉग देख के। और इसके ये तो सोया हुआ था भाई घोड़े बेच के। सोया था यार उंगली कर देता है। सही बात है भाई, सुबह उठना चाहिए भाई। भाई तू बता लोगों को भाई सुबह सुबह उठना चाहिए, जाना चाहिए टाइम टू टाइम। घंटी की आवाज नहीं है मेरी तो। देखो ये भी उठता है आजकल सुबह सुबह। अपने व्यूअर्स को तो कुछ बोल जाए, तू बोलता कोई भी कुछ नहीं है। लोगों की शिकायत है कि भाई तू कुछ बोलता नहीं है। क्या भी मतलब नहीं बोलता, कुछ बोल तो सही। बोल ना बोल ना, मेरी शादी वाली उम्र हो चुकी है। तेरी शादी वाली उम्र तो हो चुकी है, तेरी शादी वाली उम्र हो चुकी है, तो तेरे को एक अच्छी सी दुल्हन चाहिए। बता तेरा शादी में डाल दू तेरा, बता मैं तेरी शादी में खाऊंगा, मैं फुल व्लॉग बनाऊंगा राजा व्लॉग की तरह। बस कर। कुछ बोलना चाहेगा बता ना मेरे व्यूअर्स को। अरे वो कुछ सुनना चाहते तेरे मुंह से भाई। क्या बोलना तो बोलना भाई। तो गाइस मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ, अभी मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ इसे, यानी इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ, उसके बाद अच्छे से शॉट लेंगे। तो भाई बहुत ही एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट, हमेशा हेल्दी बनता है। आज तो सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट बन गया भाई। इतना मुंह क्यों सुनाता है भाई, ब्रेकफास्ट कर ना सा जा। और यहाँ मेरी प्यारी मम्मी अपनी प्यारी मम्मी को खाना खिला रही है। काफ़ी कमज़ोर हो चुकी नानी जी। हाय दोस्तों, तो मैं पहुंच गया फिर से अपने स्टूडियो और करते हैं आज का हम काम शुरू। अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अब क्या ही बताऊं मैं आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी। कंप्लीट अब जस्ट मैं अपने दूसरे क्लाइंट का वेट कर रहा हूँ, लेट्स सी कब आते हैं वो, उसके साथ उनके साथ फिर डिस्कशन होगा। एक्चुअली कवर अप टैटू है एंड हो सकता है सेशन भी काफ़ी लंबा जाए। एंड गाइस वन मोर थिंग, बिकॉज अब मैंने क्या कहते हैं यू नो, अब मैंने गुल्लक स्टार्ट कर दिया अपना, लाइक अपना शादी का गुल्लक। यार आज का पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं सुबह से लेकर रात तक 100 से 110 बार तो नहा ही लेता हूँ मैं। क्या बात कर रहे, लेकिन पसीने से। क्या बोला तूने? मैं यार लाइट ने तो बहुत ही दिमाग खराब कर दिया यार।
सबसे ज्यादा तो पसीना हो गया ना। Next day. तो आज ये बर्गमैन जाएगी सीधे मंचारी। क्या नाम है इस गाड़ी का? बर्गमैन। अच्छा, तो हाँ, तो उन्हें लगा था कैसी कैसी स्कूटी चले जाती है, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फिर भी इतनी हैवी है। देखो अरे राइडर, ओके ओके ओके, पैसे कमी होगी, चिंता मत करना, 10,000 रुपए हर दिन भेज दूंगा। तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। कैसा लगा मेरा मजाक? ओके राइडर, बर्गमैन लेके जाना मंशारी तुम अच्छे से, हो सके तो आदि कैलाश भी चले आना, ओम पर्वती से ले आना, सब जगह पैसे वैसे चाहिए हो तो फोन मत करना। ये रहा कपिल अडानी का घर। क्या बोला तूने? कपिल, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? लाले भगवान, ये कपिल अडानी कब बाहर आएगा? लगता है पोती कर रहा है। कपिल, कपिल अडानी पोती कर लो, ता जल्दी आओ। यस लेट्स गो कपिल अडानी, हग लेते क्या, पॉटी कर लेते क्या? तो क्या नाचो भाई? ओए बाप रे, सुबह सुबह 5:30 बजे देखो कितना रश है यहाँ। एंकर, ये ट्रैफिक लगा हुआ है। थक गया गाइस, ये थक गया गाइस, ये थक गया। आज हम लोग की हॉलीडे है। हॉलीडे नहीं है, जल्दी आना घर। क्यों जल्दी आना घर? सो गाइस, आज हम लोग की हॉलीडे है और ये कह रहा है जल्दी आना घर। इसका तो अलग ही नखरा चलता है यार, कसम से। दम क्या, 3 बजे तक घर पहुँचेंगे? नहीं, अब शाम को आएंगे भाई, आएंगे 4 बजे तक। हाँ हाँ, तो ठीक है फिर। आज गाइस, अब हम लोग की छुट्टी है, आज कपिल की भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है, तो सोचो हम लोग चलो ऊपर से चलते हैं, थोड़ा बहुत तो देखते हैं ऊपर क्या सीन वादियों में। क्यों क्यों मेरे भाई, अब तो देख कहाँ रहा है? अच्छा, CCTV कैमरे में। सर गाइस, ये दुकान से अपने घर पूरा चेक करता है CCTV कैमरे में अपने। अबे साले अबे ये लेके क्या करेगा तू? जोट ली कहाँ जाने लग जोट कमाइला, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ए जॉन, जॉन रिवर कहाँ जाने लगते? ओ बाप रे, इसको इसको आशीर्वाद दीजिए, चिरंजीव भव भव विजयी भव। हाँ, ये हमारे फूफा जी हैं, सबसे प्यारे फूफा जी। चल, मुझे लाडा बोलता है ये। क्या हाँ, आपको क्या चाहिए? खुमानीपुरम, खुमानी और आड़ू चाहिए। चल, जो खाने में अच्छा होता है मजा आना। हाँ, जल्दी जाओ जल्दी आओ। ओके, गए नहीं है, जल्दी जाओ जल्दी आओ कह रहे हैं। अरे कुछ पंगा नहीं होता है, तो कांग्रेस जीतेगी। लेट्स गो गाइस, मेरा सिर जीतेगा कह रहे हैं। मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा यार, यहाँ पे कपिल को देखो। कह रहा है
वो बंदे तेरे को अकेले दिख रहे हैं जो वहाँ पर है इधर पे? तो फिर मैंने बोला हाँ अकेला बंदा दिख रहा है, ये कह रहा है कि कुत्ता भी है इसमें, दिखाना। अबे कितना महंगा ज़ूम कर दिया इस लड़के ने, कुत्ता कहाँ है? कुत्ता नहीं है साले, कुत्ता दिख रहा है। अरे हाँ ये बड़ा शूटर है, जब से इसने अपना वन प्लस का इतना 20x जूम वाला जो कैमरा फोन लिया है ना, तब से तो भाई ये गदर ही मचा रहा है, फोटो खींच खींच के सब चीज देख लेता है। दूसरों घर में मत झांकना तो बता दे रहा हूँ मैं। अबे साले तब मुझे लग रहा है दूसरों घर में भी झांकता हुआ है ऐसी, कहीं तेरे को दूसरों के घर की बात पता तो नहीं है। क्या मस्त ठंडी हवा चल रही है इधर। हाँ साला ने हल्द्वानी में तो पूरा आफत आई थी गर्मी से, बेचारा इधर जल के पूरा भुन गया, देखो तो शक्ल देखो। सो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ काफल तोड़ने, अभी दिखाता हूँ आपको मस्त मस्त काफल। हाय हाय एक ही बार में इतने आ गए, तू भी मजे ले ले काफल के ले। खाने के कीड़ा लेके आया? अभी कीड़ा नहीं, बाल आ गया था। कीड़ा खा ले खा ले। कीड़े हैं देख। किसमें कीड़ा है? अबे कुछ नहीं होता, तेरे पेट में कितना कीड़ा खाएगा दुनिया भर का अटेंशन ना खा के। बात तो सही है। हाँ यार ज्यादा कीड़ा देख रहा है, खा ले। गप कर, गप क्या करना है, देख टेस्ट तो करने दे साले कैसा है, तू तो ऐसे खिला देगा। जहर तो ना खिला तेरे को लाते। छोटा है ये, छोटा। अरे यार ये तो तेरे को मैं एकदम पूरा पेड़ से तोड़ के तेरे को दिया। एक और दिखाओ, मैं यहाँ पर भी है तो क्या, यहाँ भी लगे हैं काफल। ये देखो कितने ढेर सारे काफल लगे अंदर। अय हाय कहाँ दुकान से खरीद के लाए यार, इससे अच्छा पेड़ से ही तोड़ लेते हैं। क्यों लाल लाल काफल तोड़ो, लाल लाल काफल, लाल लाल काफल तोड़ो, कहीं नीचे ना गिर जाऊं मैं काफल तोड़ने के चक्कर में। इसमें ना एक उंगली कट्टा कीड़ा भी होता है, बड़ा भयंकर होता है वो तो, पूरा हाथ काट देता है वो तो, पूरा अलग। अरे ये कपिल का बच्चा कभी नहीं आएगा। हाँ ये नहीं कि आके तोड़े खाए लाटा कहीं का। देखो तो कितना मस्त लगे हैं यहाँ पर काफल। अबे आ रहा है तो आ जा खा ले भाई, बहुत तोड़ लिया मैंने देख, मजा आया खा के। देख साला तोड़ने नहीं आ रहा है मेरे साथ ये गाइस, और बता खाने के लिए था गपा गप खाने के लिए आ रखा है लूल जी में। तेरा क्या बोला तूने? लूल है दे लूल। तूने लूल रुका तू है साले, 12:01 बजा दिए तूने, चल चल चल। ओके गाइस तो अभी हम लोग हैं सुनकिया में, और जहाँ पर ना रोड के किनारे किनारे इतने ढेर सारे काफल, इतने ढेर सारे काफल कि क्या बताऊँ। कोई आ जा फिर से, मैं खाएगा क्या चुपचाप, मैं तोड़ के लाऊंगा ये खाएगा। देखो अभी गिरेगा ये, पक्का गिरेगा ये। अबे साले तू खत्म मत करियो, किरमौली चोरी कर रहा है ये काफल, साले खा रहा है ऊपर बैठ के, एक कैसे बंदरों की तरह खा रहा है। बहुत ही मीठा होता है यार ये, तो बेचने वालों से तो ज्यादा बढ़िया होता है ये तोड़ के खाने में। बारिश होने की संभावना है, और ये है हिमांशु काफल खाते हुए। सारे का भाई तेले काफल तोड़ के रहा हूँ, चल बेटी। तो गाइस वो देखो सामने जैपनीज रेस्टो, पूरा जैपनीज स्टाइल बना रखा है। लेट्स गो जापान। तो गाइस हम लोग एंटर कर रहे हैं जापान में, जापान ये तो जापान, दिस वे और दिस वे, दिस वे लेट्स गो।
कपिल कम और यहाँ पर खुमानी उमानी नाशपाती नाशपाती सब ढेर सारा लगा हुआ है. दिस इज द कल्चर ऑफ जापान. नाउ वी कैन एंटर हियर. स्टेप फॉरवर्ड. नाउ वी आर एंटरिंग जापान. ऑलराइट आ जाओ ना, कुछ करते हैं. ए डबडबाट आ जा. अबे चाइनीज चल जापान. सुन तो खुद, तू चाइनीज है और जापान आने में तू डर रहा है. बता, मैं कोरिया हूँ, ये चाइनीज है. आई एम कोरियन, यू चाइनीज. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. जापान में एंटर कर चुके हैं. दिस इज वाइल्ड साकुरा. Oh wow. Even sare flags bhi na yahan sab the stairs hai. Even maine bhi pura Japanese wala shirt pehen rakha hai. But jab hum yahan se aise pass hue the tab humne dekha. What amazing. Guys yahan pe sare Japanese food dikh rahe hain idhar. What should we order? So Japanese mein dikh raha hai French toast and all. अरे ये तो इंडियन फूड है पर जापानीज में लिखा हुआ है. मीसो मैरिनेटेड सैल्मन, द चिकन याकिटोरी, बेवरेज. यू मैस लाइक नहीं ना, मैं जापानीज हूँ. बट दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग यार, बहुत ही सही है. इसका एंट्रेंस कुछ इस टाइप से है. चाइनीज ओके. ऊपर रूम्स है, ऊपर होटल है, नीचे रेस्टोरेंट. सो यू गाइस कैन स्टे ओवर हियर. उधर आप स्टे भी कर सकते हो. अच्छा खासा पूरा जापानीज थीम दिया हुआ है. मिसो. सो दिस इज मिसो रामेन. जापानी, ये जापानी. मैं जो ट्राई किया मैंने कपिल ने, दैट इज कॉफी एंड रामेन. मिसो. ये देखो चाइनीज अभी भी अंदर बैठा हुआ है. अबे जापान से निकल भाई, अबे जापान से निकल. पता नहीं क्या गाली बकरा अंदर से ही है. तो अच्छा है पूरा, मतलब पूरा जापानीज थीम दे रखा है यहाँ पे. इवन बाहर सिटिंग का भी है. यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग जल जाती है काफ़ी रात के टाइम पे. स्टे करने के लिए यहाँ पर लाइक चार्जेस जो नॉर्मली चार्जेस है, दैट इज़ 10,000 और 12,000. 12,000 जो ऊपर है वो सामने हिमालयन व्यूज वाला है और नीचे का 8,000 समथिंग का है. सो प्राइस में थोड़ा सा यू नो काफ़ी वो है, बट यू कैन इन्जॉय. एंड तो आप यहाँ पर कैफे में इन्जॉय कर सकते हो और सारी वाइब्स ले सकते हो. इफ़ यू आर नॉट स्टेइंग हियर देन यू कैन इन्जॉय एट मिज़ुकी कैफे. ओ चाइनीज पेट भर गया. सो गाइस हम जा रहे हैं छोले भात खाने के लिए. बस खाली टेस्ट करना था मुझे यहाँ पे. तो रामेन वाज अच्छा था, टेस्ट वगैरह सब चीज़. मुझे तो बस खाली एमबीसी पसंद आता है वैसे. और दिस इज़ द प्रॉपर्टी. एमबीएंस देखने जाता हूँ मैं. देखा ये भी बोला किससे? एमबीएंस से ही तेरा पेट भरता है. यस, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत तगड़ा गेम करने वाला हूँ. मैं तगड़ा गेम करने वाले मतलब समझा तेरा गेम. वैसे टेस्ट में तो अच्छा हो रहा है. जितना मैं खा रहा हूँ पूरा ही खा ले फिर और क्या. मैंने वो आड़ू तोड़ के लेके आए और वो उधर सामने पूरा आड़ू का ही बगीचा है पूरा. यहाँ सारे फ्रेश आड़ू पैक हो रहे इधर और यही सप्लाई इंडिया होगा. तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. बहुत हो गया लंबा ब्लॉग. अब चलते सीधे घर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.